अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को 10% आरक्षण का ऐलान किया राजनाथ सिंह ने। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असम राइफल्स में भी 10% का रिजर्वेशन। कोस्ट गार्ड में भी अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। 16 डिफेंस पीएसयू में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। देश भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आक्रोश देखने के बाद केंद्र सरकार अग्निवीरों के नए ऐलान करके उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि ये योजना उनका भविष्य उज्जवल बना देगी। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स और असम राइफल्स के बाद अब केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब रक्षा मंत्रालय में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती के समय अग्निवीरों को आरक्षण देगी। साथ ही अग्निवीरों को 16 डिफेंस पीएसयू में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। कई राज्य सरकारों ने यह घोषणा कर दी कि हम यहाँ उनको प्रायोरिटी देंगे, हम उनके लिए रिजर्वेशन तय करेंगे। होम मिनिस्ट्री ने भी कह दिया, भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम उनको नियुक्ति देंगे। प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने भी कई ने घोषणा कर दी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने तब ने घोषणा कर दी कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे। केंद्र सरकार ये सभी फैसले करके ये बताना चाहती है कि अग्निपथ योजना में 4 साल की सेवा के बाद भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खत्म नहीं होंगे और अग्निवीर होने का फायदा उनको जीवन भर मिलता रहेगा।